और इसी बीच आपको सीधे गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आज कच्छ और सौराष्ट्र के उन क्षेत्रों में भी मां नर्मदा की कृपा हो रही है, जहां कभी कई कई हफ्तों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। गुजरात में दशकों पहले के वो दिन भी जब पानी की लड़ाई में गोलियां तक चलती थी, बेटियों बहनों को पीने के पानी के इंतजाम के लिए पांच पांच दस दस किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गर्मी शुरू होते ही सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के लोग अपने अपने पशुधन को लेकर सैकड़ों किलोमीटर जहां पानी की संभावना होती थी वहां पर वो घर गांव खेत खलिहान छोड़ करके चले जाने के लिए मजबूर हुआ करते थे। मुझे याद है साल 2000 की इतनी भयंकर गर्मियों में ये हालत हो गई थी कि राजकोट सुरेंद्रनगर जामनगर पानी पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में पहली बार पानी के लिए स्पेशल वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आई थी। साथियों, आज जब उन पुराने दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि गुजरात आज कितना आगे निकल आया है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको खुशी होती है? आपने जब मुझे यहां का दायित्व दिया तब हमारे सामने दोहरी चुनौती थी, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बिजली के लिए डैम के काम को तेज करना था, दूसरी तरफ नर्मदा कैनाल के नेटवर्क को और वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था को भी बढ़ाना था। आप सोचिए, साल 2001 तक मुख्य नहर का काम सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही हो पाया था। सिंचाई व्यवस्था और नहरों का जाल अधूरा अधूरा बिखरा हुआ लटका पड़ा हुआ था, लेकिन आप सभी ने, गुजरात के लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और आज सिंचाई की योजनाओं का एक व्यापक नेटवर्क गुजरात में खड़ा हो गया है। बीते 17-18 सालों में लगभग दो गुनी जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया गया है। भाइयों और बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं, टपक सिंचाई माइक्रो इरिगेशन का दायरा साल 2001 में सिर्फ 14,000 हेक्टर था और करीब करीब 8,000 किसान परिवार ही इसका लाभ उठा पाते थे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का अभियान चलाया, पानी बचाने का अभियान चलाया, माइक्रो इरिगेशन पर बल दिया, टपक सिंचाई पर बल दिया और एक जमाने में सिर्फ 12-14 हजार हेक्टर, आज 19 लाख हेक्टर जमीन, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, आज 19 लाख हेक्टर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में है और करीब 12 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। गुजरात के गांव में बैठे हुए किसानों की संवेदनशीलता के बिना ये संभव नहीं था।
नए विज्ञान टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने के गुजरात के किसानों के स्वभाव का परिणाम था कि हम इतना बड़ा सपना सिद्ध कर पाए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये गुजरात के हर खेत में बात पहुंच गई। अभी कुछ समय पहले आईआईएम अहमदाबाद ने इस बारे में एक स्टडी की थी। मैं आपको और देश को इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। साथियों, इस स्टडी से सामने आया कि माइक्रो इरिगेशन के कारण, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर के कारण ही गुजरात में 50% तक पानी की बचत हुई, 25% तक फर्टिलाइजर का उपयोग कम हुआ, 40% तक मजदूरी का खर्चा, लेबर कॉस्ट कम हुई और बिजली की बचत हुई। वो तो अलग, इतना ही नहीं, एक तरफ बचत हुई तो दूसरी तरफ फसल की पैदावार में भी 30% तक की बढ़ोतरी पाई गई। साथ ही प्रति हेक्टर हर किसान परिवार की आय में लगभग 15,500 रुपये की बढ़ोतरी भी हुई। साथियों, मुझे याद है कि जब कच्छ में नर्मदा का पानी पहुंचा था, तब मैंने कहा था कि ये पानी कच्छ के लिए पारस साबित होगा। आज मुझे खुशी है कि मां नर्मदा का जल सिर्फ कच्छ ही नहीं, सौराष्ट्र नहीं, गुजरात के एक बड़े हिस्से के लिए पारस सिद्ध हो रहा है। नर्मदा का पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो तो पारस है, पारस जो मिट्टी को स्पर्श करते ही मिट्टी को सोना बना देता है। नर्मदा जल की वजह से सिंचाई की सुविधा तो बढ़ी है, नल से जल का दायरा भी बीते 2 दशकों में करीब 3 गुना बढ़ा है। साल 2001 में गुजरात के सिर्फ 26% घरों में नल से जल आता था, यानी जब से देश में घर में नल से जल पहुंचाने का काम शुरू हुआ तब से 2001 तक, यानी करीब करीब 5 दशक तक, सिर्फ 26% घर कवर हुए थे। आज आप सभी के प्रयासों का असर है कि गुजरात की योजनाओं का प्रभाव है कि राज्य के 78% घरों में नल से पानी आता है। अब इसी प्रेरणा से हमें देश भर में हर घर जल, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। भाइयों और बहनों, आज सौनी योजना हो, सुजलाम सुफलाम योजना हो, आज गुजरात के गांव और शहर तेजी से पानी के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। मैं गुजरात सरकार को, पहले पूर्व मुख्यमंत्री आनंदबेन की अगुवाई में और अब रूपाणी जी के नेतृत्व में हर घर को, हर खेत को जल से जोड़ने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं उन सभी सरकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सिंचाई की सुविधा मिलने से एक और लाभ गुजरात के किसानों को हुआ है। पहले किसान पारंपरिक फसल ही उगा लगाते थे, लेकिन सिंचाई की सुविधा मिलने के बाद नकदी फसलों की पैदावार शुरू हुई, हॉर्टिकल्चर की
तरफ झुकाव बढ़ा, नकदी काम होने लगा। हाल में एक और अध्ययन सामने आया है जिससे पता चला है कि इस परिवर्तन से अनेक किसान परिवारों की आय बढ़ी है। भाइयों और बहनों, गुजरात सहित देश के हर किसान परिवार की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए अनेक दिशाओं में अनेक प्रयास चल रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद बीते 100 दिन में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अब गुजरात के हर किसान परिवार को मिल रहा है। कुछ दिन पहले छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना की भी शुरुआत हो चुकी है। इसका लाभ भी गुजरात के और देश के किसान परिवारों को होने वाला है। साथियों, गुजरात के किसानों, व्यापारी और दूसरे नागरिकों के लिए पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट की भी एक व्यापक व्यवस्था तैयार की जा रही है। गोगा दहेज रोरो फेरी सेवा, इसकी शुरुआत करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे बताया गया है कि अब तक इस फेरी सुविधा का 3.25 लाख से ज्यादा यात्री उपयोग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब करीब 70,000 गाड़ियां भी इसकी मदद से ट्रांसपोर्ट की गई है। सोचिए, पहले कहां सड़क से 350 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, अब समंदर से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कहां 350 किलोमीटर, कहां 31 किलोमीटर की यात्रा। इस सुविधा ने लोगों की सुविधा तो बढ़ाई है, उनका समय भी बचाया है, पर्यावरण की भी रक्षा की है, आर्थिक रूप से भी मदद हुई है। साथियों, इसी प्रकार की सेवा भविष्य में मुंबई से हजीरा के बीच, उस पर भी विचार किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बहुत ही जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। रोरो फेरीस जैसे प्रोजेक्ट से गुजरात के वाटर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, टूरिज्म की बात जब आती है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की चर्चा स्वाभाविक है। इसके कारण केवड़िया और गुजरात पूरे विश्व के टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से छा गया है। अभी इसका लोकार्पण हुए सिर्फ 11 महीने हुए, एक साल भी नहीं हुआ है, लेकिन 11 महीनों में 23 लाख से अधिक पर्यटक, देश और दुनिया के पर्यटक हमारे सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आए हैं। हर दिन एवरेज औसतन 8,500 टूरिस्ट यहां आते हैं। मुझे बताया गया कि पिछले महीने जन्माष्टमी के दिन तो रिकॉर्ड 34,000 से अधिक पर्यटक यहां इस धरती पर पहुंचे थे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने एवरेज औसतन 10,000 लोग प्रतिदिन डेली पहुंचते हैं, 10,000। जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 133 साल हो चुके हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सिर्फ 11 महीने, और डेली 8,500 लोगों का आना
11 महीने में 23 लाख लोगों का आना ये अपने आप में बड़ा अजूबा है। भाई और बहनों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज यहां के आदिवासी बहन भाइयों और युवा साथियों के लिए रोजगार का एक नया माध्यम भी बनती जा रही है। आने वाले समय में जब यहां के रास्ते, यहां टूरिज्म से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ जाएंगे। आज मैं पूरा समय जो जो नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसको देखने गया था। यहां आने में मुझे देरी इसलिए हुई कि मुझे देखते देखते और मेरे लिए तो जरा ट्रैफिक भी नहीं था, तेज जा रहा था, तो भी 4 घंटे लग गए और अभी भी मैं पूरा देख नहीं पाया हूं। यानी इतना बड़ा व्यापक रूप से काम, ये भविष्य में टूरिस्ट यहां आएंगे दो दो चार चार दिन रहने के लिए उनका मन कर जाएगा। यहां सब्जी, फल, फूल, दूध उसके उत्पादन करने वाले आदिवासी साथियों को बहुत बड़ा मार्केट यही उपलब्ध होने वाला है। हमें बस एक ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है। मुझे जानकारी है कि आप सभी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन हमारा, और ये हम ना भूले, हमारा जल, हमारा जंगल और हमारी जमीन प्लास्टिक से मुक्त रहे इसके लिए हमारी कोशिशें और तेज होनी चाहिए। हर नागरिक का शपथ होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। साथियों, विश्वकर्मा दिवस, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, 17 सितंबर ये विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 17 सितंबर के साथ ही आज के दिन का एक और महत्व भी है। आज 17 सितंबर आज के दिन का एक बहुत बड़ा दूसरा महत्व भी है। 17 सितंबर के दिन, ये दिन सरदार साहब और भारत की एकता के लिए जो प्रयास किए गए उनके प्रयासों का 17 सितंबर एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया है। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस भी है। आज के ही दिन 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था और आज हैदराबाद देश की उन्नति और प्रगति में पूरी मजबूती से योगदान दे रहा है। कल्पना कीजिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो दूरदर्शिता, अगर वो तब न होती, सरदार साहब के पास एक काम न होता, तो आज भारत का नक्शा कैसा होता और भारत की समस्याएं कितनी अधिक होती। भाई और बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को 70 साल तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसका दुष्परिणाम हिंसा और अलगाव के रूप में, अधूरी आशा और आकांक्षाओं के रूप में,
पूरे हिंदुस्तान ने भुगता है। सरदार साहब की प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण फैसला देश ने लिया है। दशकों पुरानी समस्या के समाधान के लिए नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और कारगिल के लाखों साथियों के सक्रिय सहयोग से हम विकास और विश्वास की नई धारा बहाने में सफल होने वाले हैं। साथियों, भारत की एकता और भारत की श्रेष्ठता के लिए आपका यह सेवक पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीते 100 दिन में अपनी इस प्रतिबद्धता को हमने और मजबूत किया है। बीते 100 दिनों में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें किसानों के वेलफेयर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के समाधान भी शामिल है। मैंने चुनाव के दौरान भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, हमारी नई सरकार पहले से भी तेज गति से काम करेगी, पहले से भी ज्यादा बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। एक बार फिर मैं पूरे गुजरात को सरदार साहब की भावना के साकार होने पर एक बहुत बड़ा सपना, चार चार पीढ़ी ने जिसे संजोया था, वो सपना आज पूरा हो रहा है। ये विराट सरदार सरोवर डैम, उससे बह रही माता नर्मदा, ये गुजरात के उज्जवल भविष्य की नई ऊंचाइयों के लिए हमें आवाहन करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। मुझे विश्वास है कि हर गुजराती पूरी मक्कमता के साथ, और हमारा सपना रहा है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, देश की भलाई के लिए गुजरात की भलाई, उस सपने को लेकर के आगे चले। आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने आज मुझ पर जो आशीर्वाद बरसाए हैं, गुजरात के लोगों ने, देश के लोगों ने, दुनिया में बसे हुए सबने, मैं आज यहां से माता नर्मदा की साक्षी में खड़े रह करके, सर झुका करके उनको भी नमन करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, नर्मदे। आवाज कच्छ तक पहुंचनी चाहिए, नर्मदे।